नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका होस्ट वैभव धीमान आज फिर आया हूँ आपके साथ एक और नया घर लेकर, जो कि रहेगा खरल अंडर रोड पे, एक 3 BHK प्लस स्टोर रूम एंड बैंग ऑन द हाईवे की हमारी सोसाइटी होने वाली है। रेरा अप्रूव्ड सोसाइटी रहेगी एंड जो हमारा 3 BHK रहने वाला ना गाइस, वो काफी आलीशान रहने वाला है। जिसे मीन्स आलीशान का वर्ड का मीनिंग समझ रहे हो गाइस? लिटरली आप पूरी वीडियो तक बने रहना एंड प्राइस बने रहना। आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा हमारे 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम या आप कह सकते हो स्टोर रूम का प्राइस क्या है। एंड तक बने रहना एंड पूरे वीडियो पे देखना, आपको जरूर गाइस ये फ्लैट पसंद आने वाला है। आप मुझे जरूर कॉल करोगे कि हम गाइस हम ये फ्लैट सर विजिट करने आ रहे हैं, हमने ये परचेज करना है। चलो गाइस, मैं ना बेसिकली क्या है, एंटर हो चुका हूँ अपने फ्लैट के अंदर। ये हमारा ना एंट्रेंस गेट आ जाता है। ये काफी अच्छा हमारा ना 8 फीट की हाइट पे गेट है एंड इसकी विड्थ है ना 4 फीट की रहेगी। स्मार्ट लॉक के साथ हम डिलीवर कर रहे हैं इसमें। एंड पूरे घर में आप देखोगे ना गाइस, एक डे लाइट का हमने काफी अच्छा ध्यान रखा है, वेंटिलेशन का काफी अच्छा ध्यान रखा है। एंट्रेंस होते ही ना हमारा ये आप काफी लेविश स्टाइल का, एक यूनिक स्टाइल बेस्ड के साथ हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया रहता है। हमने ना एंट्रेंस पे ड्राइंग एरिया दिया हुआ है। काफी हैवी फॉल सीलिंग हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। एसी की प्रोविजंस रहेंगे, पूरे घर में डे लाइट बनी रहे। तो यूपीवीसी विंडोज हमने यूज की हैं, जिससे हमारा घर पूरा साउंड प्रूफ भी हो जाता है और पूरे घर में वेंटिलेशन के साथ साथ डे लाइट अवेलेबल रहती है। एंड गाइस, जो आप ड्राइंग एरिया देख रहे हो, हमने ना बेसिकली अभी यहाँ पे 9 सीटर सोफा लगाए हुए हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली 9 सीटर सोफा लगा सकते हो या 7 सीटर लगाना चाहते हो। इसका प्रोक्स साइज बता देता हूँ, 11 बाय 15 का इसका साइज होने वाला है। एंड प्रॉपर आप देख सकते हो, हमने सीनरीज वगैरह टीवी पैनल्स के साथ हमने डेकोरेट किया हुआ। आप भी अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेकोरेशन कर सकते हो गाइस। बेसिकली ना हम हमारे वीडियोस पे आपको ना घर के डेकोरेशन के रिगार्डिंग काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कुछ भी आप अगर ना घर का इंटीरियर वर्क करवाना चाहते हो, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हम आपके घर को इंटीरियर डिजाइन भी कर सकते हैं आपकी विश के अकॉर्डिंगली। गाइस, ये हमारा रहता है डाइनिंग एरिया, जहाँ पे हमने ना 6 सीटर डाइनिंग काफी अच्छा प्लान किया हुआ है। यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे पीओपी वर्क के साथ हमने सीनरीज का डिजाइन किया हुआ है। एसी की प्रोविजन आ जाएगी यहाँ पे। एंड बिल्कुल आपके सर के ऊपर हमारी रहती है फॉल सीलिंग, काफी सिंपल डिसेंट फॉल सीलिंग हमने प्रोवाइड की हुई है। एंड ये आपका लिविंग एरिया सेपरेट सा साथ में लिविंग एरिया की भी स्पेस दी हुई है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लिविंग एरिया है। एंड यहाँ पे हमारा रहता है पूजा रूम कह सकते हो आप, इसे एज अ स्टोर रूम यूज कर सकते हो। काफी अच्छा हमने ये स्पेस यूज की हुई है, निकाली हुई है। जो हमारे सोसाइटी रहने वाली है ना, वो गई सारी S+4 में इसकी स्टिल्ट कार पार्किंग। ऊपर 4 फ्लैट रहेंगे विद लिफ्ट रहेंगे एंड सारे फ्लैट 2 साइड ओपन होने वाले हैं गाइस। इसी के साथ में ना हमारे लिविंग डाइनिंग के साथ में घर का कह सकते हो एक मेन पॉइंट, जो सबसे बड़ी बात करते हैं ना, कोई कोई भी गेस्ट आता है उनको होता है कि घर के किचन में क्या बन रहा है, उनको अच्छी अच्छी डिशेस खिलाने का दिल करता है। यहाँ पे हार्ट ऑफ द हाउस मीन्स की किचन। अभी हम ना किचन में आ चुके हैं गाइस। ये किचन ना काफी लेविश आप कह सकते हो, सारा स्पेनिश बेस्ड हमने इंटीरियर किया हुआ है किचन में। आप जो मॉडलर किचन देख सकते हो, ये सारी स्लीक की गाइस आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, प्रॉपर हम ना ब्रांडेड स्लीक की किचन हम डिलीवर कर रहे हैं। एंड ये ट्रे रहेगी वॉशेबल, यहाँ पे आपका चिमनी का प्रोविजन आएगी। एंड यहाँ पे आपके क्रॉकरी सेक्शंस हमने डिलीवर किए हुए हैं। एंड यहाँ पे हमारा साउंड प्रूफ सिंक जाता है। साउंड प्रूफ सिंक के साथ ना हमने दोनों स्पेस बचे तो हमने मूवेबल टैप दे दिए, जैगुआर के ब्रांडेड सैनिटरी वर्क है। एंड इसी के साथ में गाइस हमने ना होब और ओवन का भी हमने ना यहाँ पे प्रिजन दी हुई है। आप माइक्रोवेव होब यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, प्रॉपर पेंट्री हमने बनाई हुई है। एंड गाइस, जो भी हमने कैबिनेट है ना, सारे हमारे सॉफ्ट क्लोजर रहने वाले हैं। एंड इसी के साथ में हमारा आया था बैक साइड की बालकनी गाइस। हमारे फ्लैट के ना दोनों साइड पे काफी अच्छी 6 to 7 फीट वाइड बालकनी होने वाली है, जहां पे आपको सुबह की लेके शाम की धूप दोनों देखने के लिए मिलेगी। काफी अच्छी लेविश है ये, हमारी अटैच रहेगी हमारे 2 बेडरूम से एंड 1 किचन से। ये बैक साइड की बालकनी है जहाँ पे सुबह की धूप आएगी
एंड गाइस इसी के साथ में ना मैं आपको लेके चलता हूँ, अगर आपके घर में ना गेस्ट वगैरह आते रहते हैं या आप जॉइंट फैमिली वाले हैं, आपने चिल्ड्रंस को अलग रूम देना चाहते हो या आप गेस्ट वगैरह के लिए अलग रूम बनाना चाहते हो, गाइस आप इस रूम को ना एज अ गेस्ट बेडरूम या आप चिल्ड्रन बेडरूम आप यूज कर सकते हो, चाइल्ड बेडरूम यूज कर सकते हो। ये भी बेडरूम का ना साइज काफी अच्छा है, 13x14 का इसका क्लियर बेडरूम साइज होने वाला है। वार्डरोब्स हम यहाँ पे बना के दे रहे हैं आपको, यहाँ पे हमने ड्रेसिंग एरिया प्लान किया हुआ है, आप इजीली यहाँ पे ऑफिस के लिए जाना चाहते हो या अपना कोई पार्टी में जाना चाहते हो ड्रेसिंग एरिया पे तैयार हो सकते हो। एंड एक और चीज गाइस, यहाँ पे आपकी अटैच इसी के साथ में फ्रंट बालकनी आ जाती है, जहाँ पे आपको सुबह और शाम की दोनों की धूप देखने के लिए मिलेगी। एंड ये फ्रंट बालकनी भी हमारी ना काफी अच्छी वाइड है गाइस, आप देख सकते हो व्यू कितना अच्छा, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है, रोड्स हमारी बननी स्टार्ट हो गई हैं। एंड गाइस बिल्कुल राइट, हमारे पास ना काफी लिमिटेड इन्वेंट्री होने वाली है, तो होपफुली मैं कहता हूँ जल्द से जल्द कॉल करो एंड इस घर को आप अपना बना सकते हो। एंड हमारे से ऐसा इंटीरियर वर्क डिजाइन करवाना चाहो तो करवा सकते हो। मैं अभी ना जाने लगा था अपना थर्ड सेकंड बेडरूम साइड, मैं आपको एक चीज दिखाना भूल गया था, अटैच वॉशरूम फर्स्ट, यहाँ पे हमारा अटैच वॉशरूम आ जाता है गाइस। फुल हाइट टाइल्स यहाँ पे जेडवार की, यहाँ पे सैनिटरी वर्क डिलीवर होगा। एंड जो आप वैनिटीज देख रहे हो एज इज हम आपको डिलीवर करेंगे। एंड यहाँ पे भी आपको सब है जेगुआर की सैनिटरी वर्क, इवन दो एग्जॉस्ट भी हम लगा के दे रहे हैं गोल्ड मेटल का। पूरे घर में ना हम जो वायरिंग यूज की है वो सारी गोल्ड मेटल की है, अगर आप कह सकते हो वार्डरोब्स हमने जो बनाए हैं वो सारे HDHMR बोर्ड। एंड प्रॉपर आपको ना ग्लोसी जो हमने सरमाइका यूज किया है, ये ना नॉन स्क्रेचेबल सरमाइका है, इस पर कभी भी आप किसी भी चीज से ना स्क्रैच करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। एंड गाइस इसी के साथ में ना हमारा आ जाता है सेकंड बेडरूम, जो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दे सकते हो या आप अपने ब्रदर को दे सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंगली से यूज कर सकते हो। ये हमारा था सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम के साइज बताऊं 10x13 का इसका साइज रहेगा। एंड इसके साथ भी हमारी अटैच बालकनी रहेगी, UPVC विंडो रहेगी जिससे आप अटैच बालकनी को एक्सेस कर सकते हो। वार्डरोब्स जैसे गाइस मैंने फर्स्ट बेडरूम में आपको दिखाए थे ना, सेम आपको वार्डरोब फैसिलिटीज मिलने वाले हैं। आपको प्लेन वॉल्स हम डिलीवर करेंगे यहाँ पे, मिरर आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली बनवा सकते हो, फॉल सीलिंग हम एज इट इज डिलीवर कर रहे हैं इसी के साथ ना। एंड इस साइड हमारा आ जाता है थर्ड बेडरूम। गाइस एक चीज कंटिन्यू करी, मैं आपको स्किप कर गया था, मैं देख रहा था आपका इंटरेस्ट बना हुआ नहीं बना हुआ। गाइस जो हमारा सेकंड बेडरूम है ना, सेकंड बेडरूम के साथ होने वाला हमारा कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में भी हम फुल हाइट टाइल्स एंड प्रॉपर जगुआर की फिटिंग्स मिरर्स तक हम लगा के दे रहे हैं। एंड ये हमारा सेकंड बेडरूम से अटैच हो गया। एंड इसी के साथ में हमारा आ जाता है थर्ड बेडरूम। गाइस थर्ड बेडरूम जो है ना हमारा पूरे घर का मेन बेडरूम है, ये रहेगा हमारा मास्टर बेडरूम। प्रॉपर हमने लेविश को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड को हमने ये घर डिजाइन किया हुआ है, आप देख सकते हो कितना अच्छा हमने बेड साइज लगाया हुआ है। ये जो हमारा बेड है ना, या ये रूम साइज बताऊं आपको, 10x15 का ये साइज रहने वाला है। फुल हाइट विंडो आ जाएगी जहां से आपको डे लाइट की कोई कमी नहीं होगी घर में, वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं होगी। टीवी पैनल हम बना के दे रहे हैं, आप देख सकते हो टीवी पैनल में भी हमने ना स्टोरेज के लिए कोई कमी ना हो तो यहाँ पे हमने ड्रॉर्स डाले हुए हैं। एंड यहाँ पे आपका आ जाता है ड्रेसिंग एरिया। गाइस हम ना ये सारा ड्रेसिंग एरिया आप देख सकते हो कितना अच्छा मिरर के साथ हमने प्लान किया हुआ है, ये हम लगा के दे रहे हैं। एंड यहाँ पे आ जाते हैं हमारे वार्डरोब्स। गाइस आपने तीनों बेडरूम्स में बड़े ध्यान से देखा होगा, वार्डरोब्स हम ना फुल हाइट वार्डरोब्स सारे तीनों बेडरूम्स में डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पूरे घर में स्टोरेज की कोई कमी नहीं होने वाली, क्योंकि हमने जो एक पूजा रूम या कम स्टोर रूम भी दिया हुआ है आप वहां पे भी स्टोरेज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आ जाता है हमारा थर्ड अटैच वॉशरूम। प्रॉपर सेम चीज गाइस हम डिलीवर करेंगे यहाँ पे, कोई इसमें आपको मिसमैच नहीं देखने के लिए मिलेगा। फुल हाइट टाइल्स, जगुआर की फिटिंग्स, मिरर्स, गोल्ड मेटल के स्विचेस,
एंड गाइस जो आपने पूरी वीडियो को काफी इंटरेस्ट के साथ देखा होगा बिकॉज क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में प्राइस रेंज नहीं बताया था गाइस। जो हमारे फ्लैट का 220 गज में फ्लैट बना हुआ है, S+3 क्लब हाउस, जिम, बैंक्वेट हॉल, गेटेड सोसाइटी, 3 टायर सिक्योरिटी एंड हाईवे से एक्सेस रहेगा खरल अंडर रोड। एंड आपको पता होगा सेक्टर 126 से बिल्कुल साथ में से एक रोड निकल रही है 200 फीट की, जो रहेगी हमारी सीधा एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी। एंड गाइस बिल्कुल राइट, आपको अभी टाइम है तो हमारे घर का प्राइस बताने के लिए। जो हमारे घर का प्राइस है ना गाइस वो रहेगा 7190, जिसमें हम आपको सेमी फर्निश्ड फ्लैट है डिलीवर करेंगे। एंड आपको कोई भी इस घर के रिगार्डिंग इंक्वायरी हो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड चलो गाइस मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद एंड जय हिंद।